ओप्पो A53 डिवाइस में FIDO20 करके न्यू बिट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। फोर आज के वीडियो में हम इस बिट का करेंगे फुल रिव्यू एंड साथ ही साथ में आपको बताऊंगा आपके फोन में एंड्रॉइड 12 के साथ में कलर 12 का फर्स्ट बैच बीटा सपोर्ट एट लास्ट कब तक देखने को मिलेगा एंड इस अपडेट के साथ में हमें कौन कौन से नए फीचर देखने को मिलेंगे, अपडेट की फाइल क्या होगी, अपडेट का फुल प्रोसेस क्या होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के साथ में। फोर हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। दिन प्रस्ताव फाइल एजुमेनो फायदा आपको पता होगा ओप्पो A53 डिवाइस में FIDO20 करके न्यू बिट प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस बिट का वर्जन है FIPS 2127_FIDO20 एंड ये बिट हमारे फोन में 205 MB के साथ में प्रोवाइड हो रहे एंड एज यू कैन सी नाउ इन दिस वीडियो जनवरी 2022 का हमें सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारे फोन में जो भी बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे थे उन सभी बग एंड इश्यू को फिक्स किया गया है कलर्स की तरफ से। एनीवे आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके फोन में FIDO20 का बिट मिला या फिर नहीं मिला। अगर ये बिट आपके डिवाइस में नहीं मिला तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आपके फोन में ये बिट विद इन 7 to 10 days के पहले पहले रिसीव हो जाएगा OTA के थ्रू। अगर वहीं पे बात करें हम कलर स्टॉल अपडेट के बारे में कि हमारे फोन में एंड्रॉइड 12 विद कलर स्टॉल का सपोर्ट कब तक देखने को मिलेगा तो साथ ही साथ आपको पता होगा कलर्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है ओप्पो A53 डिवाइस में कलर स्टॉल का फर्स्ट बैच बीटा बिट क्वार्टर सेकेंड 2022 में प्रोवाइड किया जाएगा कलर्स की तरफ से। अगर हम बात करें क्वार्टर सेकंड के बारे में तो क्वार्टर सेकंड का मतलब है अप्रैल 2022 से लेकर के जुलाई 2022 तक। बट मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपके फोन में अप्रैल 2022 में ही कलर स्टॉल का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी से काफी ज्यादा टाइम है, उस टाइम तक आपके फोन में कलर स्टॉल 0.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके फोन में एंड्रॉइड 12 विद कलर स्टॉल 0.1 का अपडेट डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जिस अपडेट का साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 4.5 GB के आसपास में, तब तक आपके फोन में नॉर्मल से सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे, जैसे कि FIDO20 का अपडेट देखने को मिला। ऐसे सिक्योरिटी पैच अपडेट आपकी डिवाइस में देखने को मिलता रहेगा। उसके बाद अप्रैल 2022 में आपके फोन में एंड्रॉइड 12 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा वर्जन के साथ में प्रोवाइड होगा। अप्रैल के बाद आता है मई 2022 में आपके फोन में कलर स्टॉल का ऑफिशियल वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। फो ये रहा इसका पूरा प्रोसेस एंड जैसा कि मैंने आपको बताया अपडेट की फाइज अप्रोक्सीमेटली 4.5 GB के आसपास में होगी एंड वैसे भी ये अपडेट एक बीटा वर्जन के साथ में प्रोवाइड होगा। हम बात करें कलर स्टॉल अपडेट के बारे में, फो ये अपडेट आपके डिवाइस में प्रोवाइड होगा, मैं आपको डेट के साथ में बता दूंगा। अगर अभी के लिए बताऊं तो ये अपडेट आपके डिवाइस में अप्रोक्सीमेटली मिड अप्रैल को क्रॉस करते करते प्रोवाइड होगा। अगर मैं भी बात करें हम प्रोसेस के बारे में तो प्रोसेस भाई सेम रहेगा, जैसे कि आपके फोन में एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिला था वैसे आपके फोन में एंड्रॉइड 12 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो यूजर बीटा फॉर्म को फिलअप करेंगे उनके डिवाइस में कलर 12 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फो यार ये सभी इन्फॉर्मेशन है फॉर ओप्पो A53 यूजर्स। वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो चली वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।